जाएंगे पक्का। ये तो चैनल बंद था, नहीं तो घर में ही अंदर घुस जाते। सुबह के हो रहे हैं 8 और मीठी अभी तक सो रही है। और चलो देखते हैं लवी क्या कर रहा है। लवी उठकर घूम रहा है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और यहाँ पर जमे लेकर आ गई हूँ। आज बनाने वाली हूँ नमकीन जमे नाश्ते में, और फिर जाना है मंदिर। और अब हम पहुँच गए हैं मंदिर, पूजा करने आए हैं। काफ़ी डेज हो गए थे हम मंदिर नहीं गए थे, तो आज मैं और मम्मी और मीठी आए हैं। और ये वीडियो बनाने का पूरा क्रेडिट जाता है मीठी को। मीठी ने बोला मैं आज वीडियो बनाती हूँ आप सबकी। ये देखिए बंदरों की चल रही है आज भुट्टा पार्टी, और फोग भी इसमें लगा हुआ है। आज तो बंदर लेकर ही जाएंगे पक्का। ये तो चैनल बंद था, नहीं तो घर में ही अंदर घुस जाते। एक और है भाई, इसका एक पैर में प्रॉब्लम है, पैर नहीं है इसका एक, और एक हाथ भी नहीं है। शायद कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा। नहीं है तो इसका पैर तो है। क्या हुआ लवी मेरी? कुछ नहीं, देख रहे थे आवाज आई थी ठोक। लवी क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। और आज करी पत्ता और कोकोनट ऑयल से मीठी के लिए बन रहा है हेयर ऑयल। और ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे बाल लॉन्ग टाइम तक ब्लैक रहते हैं, और अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी रुक जाता है। ये करी पत्ता और कोकोनट ऑयल, और आज और तीसरी इंग्रेडिएंट्स है ये गुड़हल के फूल। चार पाँच गुड़हल के फूल लिए हैं, और बाकी इतनी के लीव्स लिए हैं। सबसे पहले कोकोनट ऑयल को तो हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर सारा, और इसको मिक्सी के जार में डाल के पीसना है। करी पत्ता को मैंने पीस लिया है, और अब पीसे हुए करी पत्ता को जो हमने गैस पे ऑयल चढ़ाया हुआ है उसमें ऐड कर देंगे, और इसको पकने देंगे। और साथ में ही जो गुड़हल के ये चार पाँच फूल थे इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। 3-4 करी लीव मैंने साबुत रख लिए हैं, उसको ऐड कर दूंगी। और जब तक वो कुरकुरी नहीं हो जाती उसको हम चेक कर लेंगे, जब तक वो कुरकुरी नहीं होती तब तक तेल नहीं पकता। और बाद में हम इसको छानकर इसी डब्बे में डालकर रख लेंगे, और मीठी को इसी तेल से फिर चम्पी की जाती है। और यहीं पे किचन के बाहर चल रहा है डार्ट्स का गेम, निशानेबाजी चल रही है आज पापा जी और हस्बैंड की। चलो 80, ये कंसीडर होगा 120 और 60, 180 और 30 और 60, 180 और 60 240 कम है थोड़ा। आपके हाँ हम लोग आए भाई, पीछे पड़ गया। तो गेम कंटिन्यू है, लेकिन मुझे जल्दी की स्मेल आई तो मैं ऊपर छत पे आई। ऊपर छत पर आकर देखा तो साइड में जो बाबा जी का घर है उसमें शायद सूखा हुआ पेड़ पड़ा हुआ है, तो उसमें आग लगा दी थी और वही जल रही थी। मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ से स्मेल आ रही है। और
काफ़ी धुआं धुआं हो रहा था। लवी मीठी भी बोल रहे थे मम्मी बहुत धुआं हो रहा है। और आज फिर से थोड़ा मौसम फिर से चेंज हो रहा है, कल भी ऐसा ही था, आज फिर से आंधी वाला हो रहा है, लगता है आंधी तो ज़रूर आएगी। और वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए सभी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी से लेकर आती हूँ।